हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपको आसनसोल गार्डन चैनल में। दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो देखिए, जो मैं रेड कलर से जो घेर के रखा है दो पौधा जो ग्लास में देख रहे हैं आप, वो है पिटूनिया का। वो देखिए, 14 दिन के बाद मैं इसे लगा कर रखा था, ये अब बड़ी हो गई है, अब इसे रिपोर्टिंग करना है। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए, पौधा बहुत ही सुंदर डेवलप कर गया है। इस इंट्रो के बाद आपको दिखा, दोस्तों मैं इसे 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगाया था, और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया रूट्स डेवलप कर गया है दोस्तों पौधे का। ये देखिए कितना सुंदर, इसे मैं इस पॉट में लगाऊंगा। कुछ दिन पहले आपको मैं एक वीडियो बनाकर दिखाया था, ये पॉट मैं कैसे घर में बनाया हूँ, होममेड है ये। और आप इसे लगाने के लिए बस विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे एक चौड़ी पात्र में लगाएं, जो ज़्यादा डेप्थ जिसकी ना हो, क्योंकि दोस्तों ये पौधा एकदम पूरा फैल जाता है एकदम। और ये ड्वार्फ वैरायटी है पिटूनिया का। ये पौधा बड़ा होने के बाद पता चला कि ये जो है ड्वार्फ वैरायटी है। एक लंबी वैरायटी भी इसकी आती है जो पौधा थोड़ा लंबा हो जाता है, ये ड्वार्फ है। ये आपके पूरा जो आप जो पॉट है उसमें पूरा फैल जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये 1 से 2 इंच तक लंबी इसकी फ्लावरिंग होती है। मिट्टी के लिए दोस्तों आप इसमें 50% गार्डन सॉयल, 30% गाय के गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, और 20% सैंड ले लीजिए। ये तीनों मिला दीजिए बढ़िया से, और नीम की खली अवश्य लेना दोस्तों, एक मुट्ठी एक गमले के लिए। ये सब मिलाकर आप मिट्टी तैयार कर दीजिए और ये पौधा लगा दीजिए। ये देखिए मेरा पौधा लग गया है, एकदम रेडी है। और दोस्तों इसे आप चौड़ी पात्र में ही लगे रहने दीजिए, और समय समय पर इसको वाटरिंग करते रहिए, ओवर वाटरिंग ना करें। बहुत ही अच्छी दोस्तों इसमें फ्लावरिंग आती है, ये ट्रम्पेट शेप में फ्लावरिंग आती है, नीचे की तरफ सिलेंड्रिकल और ऊपर बहुत ही एकदम फैला हुआ रहता है, चौड़ा टाइप का। बहुत ही सुंदर इसके फूल आती है, जिस टाइप की मेंडेविला और अलामंडा के फूल आती है बड़ी बड़ी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। गो ग्रीन दोस्तों।